सबका प्यार मेरे साथ हमेशा रहेगा और मेरा प्यार तुम लोग के लिए हमेशा साथ रहेगा। जब भी कुछ भी जरूरत रहेगी लक्की कार्ड हमेशा यहाँ रहेगा। आराम से धीरे धीरे चले भाई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे आप लोग? सो लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो हमने शेयर की थी हम दोनों की कुछ खट्टी मीठी बातें, जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया। और उसके बाद मान्या ब्लॉग्स पर मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक आ गया कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, उनका क्या प्रोफेशन है। और आज हम दोबारा से मिलेंगे इसी टॉपिक पर, बिकॉज आप सभी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आई नो, और आप सभी मेरे बारे में जानना चाहते हैं। लकी मेरे लाइफ का पार्ट है और आप जानना चाहते हो कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। बिकॉज स्टार्टिंग की वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि माशाल्लाह अल्लाह के करम से इनका काफ़ी अच्छा नाम है, काफ़ी अच्छी अल्लाह ने इन्हें इज्जत नवाजी है। लेकिन इस टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे कि ये सारा जो मुकाम है यहाँ पहुँचने के लिए लकी ने कितना 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 मेहनत किया है। सो आज हम ये सारी बातें लकी से ही जानेंगे। हेलो, अब क्या बोलो आपको, क्या कहो, कैसा क्या किया, लेकिन जो याद है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं स्टार्टिंग में तो मैं पॉलिटिक्स करने के लिए नागपुर पहुँचा था कज़न ब्रदर की तरफ, जो कि मुझको लाया गया था बाहर से। मैं एक विलेज में रहता था, मैं फर्स्ट टाइम नागपुर आया था, तो मुझे यहाँ की गाड़ियाँ, बैनर, पोस्टर देख के ये लगने लगा था बहुत बड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी सिटी में गया नहीं था पहले। तो जैसा मैं उतरा था स्टॉप पे, तो मैंने देखा सब कुछ। देखने के बाद मैंने तभी ठान लिया था कि मैं कुछ इस सिटी में, इस शहर में कुछ करूंगा। तो मैं कॉलेज में एडमिशन किया, कज़न ब्रदर के वहाँ रहने लग गया। उसके लिए बहुत बड़ी फैमिली के साथ अपना रिश्ता जोड़ा था, अपने शादी किया था, तो मुझे वो लेके आ गया था कि ये तो मेरे पास है। तो मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया, कुछ किया, फिर कुछ रीज़न के कारण मुझे उसने बाहर निकाल दिया था, सिर्फ एक मोबाइल के कारण। तब न्यू मोबाइल आया था, वो भी मेरे फ्रेंड ने मुझको दिया था, और तो जिस दिन दिया था उसी दिन मुझको बाहर निकाल दिया, मेरा बैग बाहर से फेंक दिया था। मैं पढ़ाई में डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन मैं अपने घर वालों को बता नहीं पाया था कि ऐसा हुआ, बस अच्छा हुआ, अच्छा हो चल रहा था। मैं एक मेरा क्लासमेट था उसके घर पर रहने लगा। रहने के बाद फिर मैं उसको वहाँ पता चला कि वहाँ पे भी आ गया, इसको निकालो यहाँ से, ऐसा वैसा। मैं कुछ दिन फिर इधर उधर रहने लगा, सोने लगा, कहीं भी सोने लगा। इन्होंने फुटपाथ पर भी वक्त गुजारा। मैं होटल में जाके, मेरे पास 10 रुपीज रहते थे, तो होटल में जाके मैं वेट करता था किसी का खाना बच जाए और रोटी मंगा के वो खाने को उसको मैं खा लूँ बचे हुए खाने को। वेटर को बोलो कि सिर्फ 10 रुपये में 2 रोटी ला के दे दे और बचे हुए खाने को मैं वो खाऊँ। तो ऐसे भी वक्त गुजारा, मैं अकेला था, लेकिन घर फैमिली को बताया नहीं, क्योंकि फैमिली भी बोलती थी रिटर्न आ जाओ। तो मैं बस जुनून था मुझको कुछ बनना है, तो कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं था, मुझको कोई लोग जानते नहीं थे, क्लासमेट, ऐसा करके मैंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद फिर इतना समझ में आ गया था सब कुछ, पैसा है लाइफ में, कोई सपोर्ट नहीं करता है मुझको। बहुत सारे क्लासमेट बोलते थे तू चले जा, बहुत परेशान है। सबके पास बाइक ही थी, मेरे पास साइकिल थी, मैं साइकिल से पॉलिटिक्स जाता था। तो चला, मैंने कभी अपने आप को इजी नहीं सोचा कि मैं शर्म लगी कि ये लगी, बस मेरे को जुनून था, मुझे पैसा कमाना है, नाम बनाना है। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम नागपुर पहुंचा था, तो लड़कियां गर्ल्स लोग कार चलाती थी, तो मैं सोचता था लड़की होके कार चला सकती है तो अपन तो जेंट्स है, अपन भी खुद की कार लेके चला गया। ऐसा कुछ दिन तक चला, जब फैमिली को पता चला तो मुझको फोर्स करने लगे कि आज जब मैंने बोला नहीं आऊंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, बस जुनून था कुछ बन के दिखाऊंगा। तो बस मैंने शुरू किया, फिर मॉडलिंग करने लगा। माशाल्लाह तो बॉडी वगैरह बहुत अच्छी थी और फेयर बहुत सारा ज़्यादा था मैं, तो अच्छा गुड लुकिंग था। तो मॉडलिंग में मैं फर्स्ट शो में फर्स्ट विनर बना था, नागपुर मिस्टर नागपुर बन गया था, तब से थोड़ा फेमस हुआ फिर। लेकिन मॉडलिंग में भी पैसा लगता है, मैं इसके फ्रेंड के घर पर सोता, उसके घर पर सोता, कब तक करता था। तो बस और फैमिली की कुछ जिम्मेदारियाँ थी मेरे सिस्टर लोग की थी, तो मैं वहाँ पे बोला था कि मैं कुछ जॉब ऑफ करके कुछ हेल्प करूँगा, बस करने लगा, काम करने लगा मैंने, लेकिन कुछ नहीं मिला मुझको लास्ट में। बस धक्के मिले,
जॉब करने का कुछ नहीं हुआ। फिर एक फ्रेंड था मेरा मिथुन करके, उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंटली, तो उसने मुझको सपोर्ट किया कुछ, साथ में रहना छोटा भाई समझ के मैं रखा उसको। फिर वो थोड़ा स्टैंड था, पैसा पानी मुझ पर खर्चे किया। फिर अब उसके भी साथ प्रॉब्लम हो गया था, वो फिर मेरे साथ रहने लग गया। फिर रहने लगे हम दोनों ने, फिर अपनी थिंकिंग चेंज करके, फिर ये कर वो कर, थोड़ी बहुत रिकवरी मिलती थी वो रिकवरी ले, ये कर उसका पैसा वसूली करके देना, ऐसा किया मैं किया। तो फिर कुछ दिनों बाद मैडम की एंट्री हुई मेरे लाइफ में। मैडम की एंट्री होने के बाद तब से तो लक मेरे चलने लगे। फिर चलने लगे तो फिर 2008 में फिर मुझे एक अच्छे बंदे ने मुझे एडवाइस किया, ये सब लफड़े बंद करके तुम प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू करो, क्योंकि माशाल्लाह तुम्हारा बहुत नाम है। ऊपर से मुझे शादी हो गई थी, मेरी भी फैमिली वाले थे। मुझे प्रॉपर्टी का एक चीज का नॉलेज नहीं था, बस मुझे ऐसा लगता था हार्ड कैश कैसे, हर चीज का बिजनेस कर चुका था मैं, बस यहाँ से पैसा, मुझको कुछ नॉलेज नहीं था, बस बिजनेस करना है, हर चीज का बिजनेस किया। फिर एक बंदे ने अच्छे समझा, बहुत लफड़े होते ये होते, तुम एक काम करो, अच्छा ऑफिसर इंसान ने समझाया था, तो एक बिल्डर से मेरा मिला के दिया, बोले प्रॉपर्टी का इसको साथ में रखो, वर्क करेगा तुम्हारी प्रॉपर्टी में। तब उसने फिर मुझको बॉम्बे का काम दिया, बॉम्बे का दिया, नागपुर का दिया, मैंने उसको फतेह किया इंशाल्लाह। तो फतेह करने को रिकॉर्ड बन गया था फिर कि ये लक्की खान है, ये लक्की खान काम करता है। तब से प्रॉपर्टी में माशाल्लाह फिर बहुत मैटर आते रहे, प्रॉपर्टी में इनकी एक्चुअली लक भी चल गया उस टाइम पे। फिर प्रॉपर्टी के काम के साथ डिस्पूट प्रॉपर्टी, फिर मैं लोगों के लिए लेता था कि डिस्पूट प्रॉपर्टी, जिसका मैंने प्रॉपर्टी जिसकी डिस्पूट है, जैसे कोई किराएदार है वो खाली नहीं कर रहा है, या कोई गरीब है उसकी प्रॉपर्टी पे बड़े लोग बैठ गए खाली नहीं कर रहे, तो उनके मैटर मेरे पास आने लगे, मैं उनको फिर सॉल्व करते गया करते गया, एक नाम बनते गया ना बनते गया माशाल्लाह। तो हर किसी कास्ट का मैंने काम किया, ऐसा नहीं किया प्रॉपरली एक ही कास्ट का, हर मैटर माशाल्लाह। तो अरे ऐसे लोग हैं, मैंने उनको देखा नहीं, उन्होंने सिर्फ मेरा नाम सुनी है, मुझको फोटो में देखा होगा, लेकिन घरों से मुझको दुआ मिलती है, बोलते हैं हम 8-8 दिन 10-10 दिन तुम्हारे लिए हम दुआ रात रात भर करते हैं, कुछ तकलीफ आ जाती है मुझ पर तो ऐसे दुआएं लेता हूँ। फिर मैं कुछ 3-4 साल से फिर मेरा माइंड चेंज हुआ थोड़ा, कि मैं सॉफ्ट नेचर का थोड़ा हो गया, तो पब्लिक जब मैं लाइफ में आई सॉफ्ट तब हो गया, तभी हो गया था, लेकिन और ज्यादा फिर सॉफ्ट इसलिए हो गया कि मैंने सब लोगों की खिदमत करना है, तो तब से फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा लोग। अब जैसे मेरे एरिया में भी डिपार्टमेंट वाले ज्यादा है, पुलिस वाले क्राइम वाले ज्यादा रहते हैं, पॉलिटिशियन लोग मेरे, तो उनके घर में भी झगड़ा होता है तो मेरे पास आते हैं हस्बैंड वाइफ के भैया सॉल्व कर दो, या फिर हर यानी नागपुर के बाहर, यानी माशाल्लाह ऐसा है कि पूरे विदर्भ महाराष्ट्र में नाम है कि लक्की खान को जानता है कोई। ये मैं अपनी बड़ी नहीं कर रहा हूँ कि मैं क्या हूँ ना बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ रोकूंगी। माशाल्लाह एक चीज है लकी की कि वो हर दुआ में भी ना ये दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे दो, मैं गरीबों के लिए सोचूंगा, मैं जरिया बनना, मैं जरिया बनूंगा, और ये जरिया बनते हैं, और अल्लाह पता नहीं क्यों लाकर हमारे दरवाजे पे ऐसे लोगों को खड़ा कर देता है जिनको इनकी एक्चुअली जरूरत होती है। और मैं एक ही दुआ करता हूँ कि मैं मेरे से लोगों की खिदमत लिया जाए, बस अल्लाह जो ऐसा बना दे। तो मैं कभी सोचता नहीं हूँ कि मैं ये करूँ वो करूँ, बस ऊपर वाला हर काम, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मैं बचा है मुझसे, मेरे कामों में से हर काम किया, जितने मेरे साथ रहते हैं उनको भी माशाल्लाह स्टाइल हुए है, और सब मैरिड है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने देखा जब लास्ट वीडियो था कि इस्लाम का ऐसा नहीं, मैंने कभी इस्लाम के लेके या कोई धर्म को लेके मैंने कभी कुछ कमेंट नहीं किया, और मैं सच में रियल बोलता हूँ, कोई भी कास्ट हो इंसानियत बहुत जरूरी है, और आज मेरा जो नाम है इंसानियत के, क्योंकि आज पूरे इसमें जाते हैं तो यही बोलते हैं अगर तुमको अगर कई मदद मिलेगी तो लक्की खान के पास जाओ, और माशाल्लाह यानी मैं ही बोलता हूँ, हो सकता है कि ऊपर वाला भेजता है या किसी के जरिए हो जाता है, बहुत सारे ऐसे हादसे में सुनाऊंगा बाद में, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ब्लॉग बनाऊंगा तो लेकिन ये सब आते हैं, और माशाल्लाह ऐसा कैसा नहीं कि फोन करके आते हैं, मैं जानता नहीं, मैं भैया हमको इसी ने भेजा, जो मेरे से हेल्प होती है हर चीज में मैं करता हूँ, किसी की जॉब लगाना है सर, फिर धीरे धीरे एक इमेज बन गई, लोग तो नागपुर वाले मुझको रॉबिन हुड बोलते हैं, ये रॉबिन हुड है, और ये माशाल्लाह सब हर गांव में हर चीज में, पॉलिटिशियन का भी मैं काम करता हूँ, पॉलिटिक्स में भी हूँ,
कुछ लेके चाहती है लोग माशाल्लाह। मेरे काम प्रॉपरली प्रॉपर्टी की छे और हर चीज में मैं सोशल वर्कर भी हूँ और सोशल वर्क में मैं हर चीज की मदद करता हूँ। जहाँ गलत होता है वो फिर सामने वाला कितना भी बड़ा हो मैं उसको बकसता नहीं हूँ। वो पॉलिटिशियन हो या फिर बदमाश हो या फिर कुछ भी हो मैं बकसता नहीं हूँ। बस मुझको इंसाफ चाहिए हो, मेरा सगा क्यों ना हो, मेरे सगे भाई क्यों ना हो, मेरे सगे रिलेटिव क्यों ना हो, तो मैं उन्हें गलत है तो गलत करूँगा, गलत बोलूँगा और जो है बाहर वाला भी उनको इंसाफ दिलाऊंगा। ये अभी करंटली बहुत सारे मैटर हुए मेरे, रमजान महीने में भी हुए, अभी दो चार दिन पहले भी एक मैटर हुआ मेरे साथ, पार्टनर वाले कुछ गलत कर चुके थे मेरे एक मैटर में, तो वो लोग आए कि आपके नाम से डराते हैं और आपके नाम से ही करते हैं। इनका कितना भी नुकसान हो, अगर इनको दिख रहा है कि यहाँ मेरा नुकसान होगा ऐसा करने से, ये फिर भी गलत तो गलत उनके सही तो सही। हाँ, तो वो उनके घर पे कुछ रिश्ते चल रहे थे बच्चों के और वो चीज दिखा के वो रिश्ते कर रहे थे। अब मेरे पार्टनर बोल रहे थे कि वो चीज उनसे छीन लिया जाए क्योंकि मेरा पैसा लगा था, तो मैंने वहां पर नुकसान लिया 15 से 16 लाख का और मैं उनको प्रॉपर वो प्रॉपर्टी दे चुका हूँ कि प्रॉपर्टी आप रख लो, मुझको इंटरेस्ट है। मेरे पार्टनर से मेरा रिलेशन टूट गया, लेकिन कैसे चलता है सब कुछ, ऊपर वाला है नवाजने वाला। मुझको पैसों से कम दुआओं की बहुत जरूरत होती है क्योंकि तकलीफें मेरे लाइफ में बहुत आई, सच में इतनी तकलीफ हमने जब मेरे पास कुछ नहीं। हम दोनों ने आप ये कह सकते हैं कि एक ईमान की या तो टेस्ट होगा अल्लाह का। ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे हर तकलीफ में मन्ना मेरे साथ कंधे से कंधा करके खड़ी थी, इसलिए मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। कभी अपना ऐसा कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, क्योंकि मेरे ना भाई आते हैं मेरे प्रॉब्लम में, ना मेरे रिलेटिव आते हैं मेरे प्रॉब्लम में सपोर्ट करने, बस दोस्त भाई है। वो बोलते हैं जलती की दुनिया में सब कुछ आते हैं, तो मैं कभी होप नहीं लगाया किसी से माशाल्लाह कि मेरे दुख में ये लोग आएंगे। सुख में तो सभी आते हैं, लेकिन मैं अब एक ही उम्मीद रखता हूँ, एक ऊपर वाले से रखता हूँ और दूसरा मैं इसी करता हूँ, मन्ना मेरे साथ खड़ी है मुसीबत में हो या कुछ भी। बहुत सारे मैटर होते हैं प्रॉपर्टी में, पुलिस मैटर भी होते हैं, पुलिस मैटर में भी माशाल्लाह सॉल्व हो जाता है सब कुछ आसानी से, और कुछ हार्ट मैटर होते हैं तो फिर मैं मुझे तकलीफ आ जाती है, तो बस लोग दुआओं के कारण निकलता है। मेरा पैसा काम नहीं आएगा, मेरे रिलेशन काम नहीं आएंगे, लोग घरों में बैठ के मंदिर वाले मंदिर में जाएंगे, मस्जिद वाले मस्जिद में जाएंगे, दरगाह वाले दरगाह में जाएंगे, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाएंगे, हर कास्ट के लोग मेरे लिए एनी टाइम हर जगह मन्नतें मांगते हैं, दुआएं करते हैं, दुआएं करते हैं, और मेरा जो भी है मैं माशाल्लाह अजमेर के खादिम फोन करके इनके नाम की चादरें चढ़ाते हैं, हाजिरी लगाते हैं फजर में जाके, निजामुद्दीन दरगाह के खादिम खुद हाजिरी लगाकर फोन करते हैं। ऐसा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी प्राउड फील नहीं किया, ना अल्लाह पाक मुझे ना प्राउड फील करे, मैं कभी घमंड नहीं किया। मैं आज भी नीचे ही बैठ जाता हूँ, लोग आते हैं तो उनको ये अच्छा लगता है कि भाई एकदम छोटा या बड़ा है घर में, मैं हंस के बात करता हूँ और आपसे ही बात करता हूँ, तो मैं सबको इज्जत देता हूँ। मैं बहुत ज्यादा प्राउडली थी, हाँ सॉफ्ट नेचर का हूँ, मेरा प्राउड भी इन्होंने खत्म किया। मैं ये बोलता हूँ प्राउडली नहीं रहना चाहिए, देखो जो है ऊपर वाला जानता है अपन क्या है, किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अपने को। यहाँ पे जो देख जिसको गलत समझे गलत समझे, कोई अपने को दो वक्त का खाना नहीं खिलाता है। मैंने वो मुसीबत मैंने देखा, मैं जो समर के समय जो चल रहा है, घर नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं था, भाई ने निकाल दिया था, तो रेत पड़ा था रोड पे, काम चालू था, तो रात में वो रेत गर्म होता था, तो मैंने उसको डॉगी के साथ उसको गड्ढा करके नीचे का ठंडा करके उस पर लेटते, वैसे 3 दिन मैंने वो रेत में ठंडे के लिए गर्म होता था, तो रेत हटा के नीचे की ठंडी रेत में मैं सोया हूँ, और आज माशाल्लाह सब कुछ है मेरे पास, और जो भी होता है और मेरा लक्की चार्म मेरे साथ रहता है तो मुझको कुछ नहीं। मैं आज तक मेरी प्रॉपर्टी की जितनी है तो मैं अपने नाम से नहीं लेता हूँ, इनके नाम से लेता हूँ, और इनकी लाइफ का सब कुछ मेरे नाम से है। मैं क्या करूँगा, मैंने यार छोटी सी बहुत जमीन लेवल से मैं पढ़ा, तो मुझको ये सब उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं कि मैंने मस्ती नहीं किया, एंजॉय नहीं किया लाइफ में, किया हूँ। जब शादी नहीं हुआ था तब पैसा कमाने लग गया था बहुत सारा, फिर कमाने लगा तो फिर मैं एंजॉय भी किया बहुत, आज भी करते हैं। इनका ग्रुप बहुत बड़ा है, जैसे कि आप क्लिप्स में देखेंगे। घूमने का बहुत शौक है, मैं घूमता हूँ बस कहीं भी चलो,
इवन ये मुझे भी कहते हैं यार जिंदगी जियो, खुल के जियो। और मैं इसलिए मैं ये सब बोलता हूँ आप लोग को कि हस्बैंड वाइफ अच्छे रहते हैं, कुछ नहीं लाइफ में मैंने अपने आंखों से देखा, बहुत मैटर आते हैं मेरे पास, हस्बैंड वाइफ के आते हैं, डिवोर्स के आते हैं, रिश्ते के, मैंने कई शादियां करा दिया, मैं मेरी औकात नहीं कराने के, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे जरिया बनाया, तो उनको एक ही वार्निंग रहती है, शादी में इन्वॉल्व होता हूँ लव मैरिज में, लेकिन मुझको इसके बाद कंप्लेंट नहीं आना चाहिए, तो वो कंप्लेंट नहीं आती माशाल्लाह। लड़की करी तो उसको लड़का बोलता है कि भैया को बोलवाऊंगा, और लड़का करता तो लड़की बोलती है मैं भैया को बताऊंगी, तो वो सब चीजें कि मैं करता हूँ माशाल्लाह, बहुत सारे चलते हैं, और किसी का फिर कुछ मैटर हो जाए सॉल्व करना ही पड़ता है, मेरा यही जॉब है, अब मैं हमेशा यही करना चाहता हूँ। मेरा ड्रीम्स बहुत अलग थे, मैं एक्टर बनना चाहता था, और फिर बॉम्बे भी जा चुका हूँ मैं, इनकी गर्लफ्रेंड भी थी एक एक्टर ही थी तो बहुत सारी आई गर्लफ्रेंड, ऐसा नहीं है नहीं है, आई है, लेकिन जब से शादी किया तब से मैं, लेकिन हम माशाल्लाह दोनों का अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है, मैं मिलाया हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं मिलाया हूँ, बात कराया हूँ, और लोग कुछ लड़कियां तो बेहोश हो गई थी जब सुने थे कि हम मैंने शादी कर, कि हमारी शादी हो चुकी है, बहुत ड्रामे हुए, लेकिन हम दोनों ने कभी दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, मैंने बंदे को कभी आजाद नहीं होने दिया शादी के बाद। एक और किस्से, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं बाइक पे बिठाया था, जब हम न्यू थे, हम एक जगह जा रहे थे, एक बाइक फर्स्ट टाइम बाइक पे लेके गया, बाइक रास्ते में बंद हो गई थी, बंद होने के बाद मैं रुक गया था रास्ते में, हम दोनों ही थे, तो वो तभी मैंने सोच लिया था, आज के बाद मैंने बोला भी था कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी लाइफ में बाइक पे नहीं बिठा होगा, बस इन्होंने मुझे फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बाइक पे बिठाया था, और उसके बाद से इन्होंने मुझे बिना ड्राइवर बिना कार के आज तक घर के बाहर कदम नहीं रखने दिया। मैंने जो भी मेरे से होता है, मेरी जितनी औकात है मैं उतना देता हूँ, मैं और मेरा जितना भी बड़ा अमाउंट आता है, तुमको बोलती है ये मुझे मांगती है, तो मैं ये सिर्फ मांगती है, सब मेरे पास होता है, पूरा पैसा इन्हीं के पास रहता है, मुझको सिगरेट लेना रहे तो मेरे को 500 रुपए मांगना पड़ता है, या किसी को पेमेंट करना पड़ता है, लड़कों को तो रुला रुला के पेमेंट देती है मुझको, अर्जेंट देना है कुछ करना है, और मुझे काम में कहीं भी पैसा लगा तो 10 बार एक्सप्लेन करना पड़ता है यहाँ पैसा लगा रहा हूँ, तो तब इनसे मिलता है, नहीं तो मेरा पैसा मुझको चुराना पड़ता है कभी कभी, जैसे लेडीज वाइफ लोग चुराती है, लेकिन मुझको मेरे घर में मुझको चुराना पड़ता है, चुपके से देना पड़ता है बाहर, और मैं फिर इन्हें कहती हूँ कि फिर देते क्यों हो, तो कहता है नहीं मुझे तुम्ही से लेना अच्छा लगता है। और बहुत सारे अब ईद आ गई माशाल्लाह, बहुत लोगों के अभी भी फोन आ रहे हैं ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, लड़कों के है, कुछ फैमिलीज है, उनको देना देते रहता हूँ ईद पे, दिवाली पे, हर त्योहार पे, तो माशाल्लाह मैं मुझे बहुत खुशी होती है एक्चुअल में किसी की मदद करने में, और बहुत सारे कमेंट कि कुछ हेल्प चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं उनको भी करूँगा जितनी में। और एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, आप जितनी भी लव मैरिज किए जो अपने मायके नहीं जाती है, उनको कोई चाहिए तो तुम्हारा भाई यहाँ पे है, हमारे घर आओ, कुछ भी यानी कुछ भी तकलीफ हो, मैं हस्बैंडों को नीचे गिराना नहीं चाहता हूँ, एक बात याद रखना, लेकिन उनको ये फील होता है कि इसका कोई नहीं है, तो उनका अपने अपने हस्बैंडों को बता देना कि उनका भाई लक्की खान है, वो कभी भी कितने भी हिंदुस्तान में कहीं भी रहेगा तो लक्की खान पहुंचेगा, ये हमेशा अपने पास ये बात याद रखना, ये मेरा ये जॉब में से ये भी मेरा एक जॉब है, तो आप बिंदास रहो, उन सब बहनों का ये भाई है, और ऐसा नहीं कि लड़ने या लड़ाने के लिए बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनके साथ है, मैं उनका साथ हूँ, उनको दुख दर्द में साथ है, उनका मैं बल्कि साला बन के रहूंगा, बस लक्की खान साला बनने तैयार है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अच्छे के लिए करूंगा जो भी करूंगा। वो बहने मेरी जो है बोलती है कि मेरा कोई नहीं, मैं मायके नहीं जाती 8 साल से 10 साल से, मेरे को याद आती है, ये समझ लो तुम्हारा भाई लक्की खान तुम्हारे साथ है, याद रखना। इंस्टा पे कमेंट करें, कांटेक्ट नंबर ले लें, और कुछ भी तकलीफ हमें हमेशा कांटेक्ट करें, हाँ अच्छे से अच्छा, मैं जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जिसमें तो तोड़ने में विश्वास नहीं रखता हूँ, अभी रमजान में 2 मैटर आए मेरे पास, डिवोर्स उनके झगड़े हो गए, डिवोर्स दिला दो, हमारा सामान दिला दो, दहेज का सामान दिला दो, तो मैं रमजान महीने में ये काम नहीं करता हूँ तोड़ने के, मैंने दोनों को पार्टी को बुलाया, समझा दो, एक में से तो समझ गए, दोनों साथ में रहने रेडी हो गए, तो अभी फिलहाल एक मैटर बताता हूँ, एक अभी 5-6 महीने पहले शादी हुई और झगड़ा हुआ, घर चली गई, मुझको इफ्तार के लिए दावत दिए मेरे यहाँ, तो उन्होंने सुनाया ऐसा, वो लड़की रोने लगी, भैया ऐसा ऐसा हो गया, मेरे हस्बैंड ने मुझको भगा दिया, मैंने नंबर लिया उसका, मैंने उसको डायरेक्ट बोला कि अशफाक नाम था, मैं अशफाक बोले हाँ बोल रहा हूँ, मैं लक्की खान बोल रहा हूँ, तो एकदम 2 मिनट के लिए खामोश हो गया,
तो मैं आपका साला हूँ। वो सो के इतने दिन हो गए, ये साला कब से आ गया? लक्की बोले लक्की खान कौन? मैंने लक्की खान, भैया वही लक्की खान ना? मैं हाँ वही लक्की खान, नागपुर में एक ही लक्की खान है। तो अरे भैया बोलो ना, मैंने बोला आपका साला हूँ, मैंने बोला आपके घर पे मैं खाना खाने आना चाहता हूँ, मेरे बहन के हाथों का बना हुआ। बोले वो तो मैं गई, मैं ला लो शाम में आ रहा हूँ, और रात में लेके आ गया। उसको कुछ बोलने की जरूरत ना है, मैं गया नहीं एक्चुअल में खाना खाने, लेकिन लेके आ गया। तो ये होता है, मुझको ज्यादा समझाने की जरूरत ना पड़े। उनको बस इतना ही बोला कि तुम्हारा साला हूँ, अपनी बहन के हाथों से खाना खाना चाहता हूँ आपके घर पे आके। तो उसको समझ में आ गया कि क्या बोलना चाह रहा है। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इतना दिया है, और माशाल्लाह सुनते हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, नहीं समझे तो फिर बाकी तो बस अल्लाह है, ऐसी कोई बात नहीं। और लास्ट यही कि मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी है, मेरे होटल है, अभी मैंने माशाल्लाह ट्रक लिया हूँ। हाँ, ट्रक में भी मेरा, मैं अभी फर्स्ट है, मैंने ये 2 साल से मैं बिजनेस मैन बनाया हूँ कि बिजनेस मैंने करना है, ट्रक के ले रहा हूँ, होटल ले रहा हूँ, रोड के कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ। अभी माशाल्लाह मेरा रेती का काम शुरू होने वाला है, रेती का घाट ले रहा हूँ, ले लिया समझ लो, हो जाएगा स्टार्ट। अभी कुछ लीगल प्रोसीजर बचा है, और हर काम मैंने किया हूँ लाइफ में, कोई काम ऐसा मुझसे छूटा नहीं है। लेकिन अब जिंदगी में आसानी से एकदम रिलैक्स होकर जीना चाहता हूँ, बस मदद करना चाहता हूँ, लोगों की खिदमत लेना चाहता हूँ, और सब अच्छा। बस दुआ की दरख्वास्त है, दुआ कीजिए। अब कुछ इतने चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे से डरते हैं लोग ये सोचेंगे कि मैं बदमाश हूँ, गुंडा हूँ। मैंने किया, बहुत कुछ किया लाइफ में, लेकिन किसी की गरीब की बदुआ नहीं लिया, मैंने गरीब को मदद ही किया। और मेरी चाहत देखना चाहते तो कुछ वीडियो है मेरे, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक दो वीडियो शेयर मैं क्लिप्स में डाल दूंगी। लास्ट यही है कि मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इनकी होटल्स हैं, इनके ट्रक्स चलते हैं, एक्चुअली इनके ग्रुप है जो इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं, और ये हर जगह इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस चला रहे हैं। कोई काम में मैं चाहता नहीं हूँ कि मैंने अभी ट्रक लिया या होटल लिया या कहीं गया, मैं कभी चाहता नहीं। सिर्फ मेरे जितना ग्रुप है वो संभालता है, मुझे घर पे लाके पैसा दे देते सब कुछ, बस मेरे हस्बैंड का यही सब चलता है। तो आप सभी के जितने और भी क्वेश्चंस, सबसे बड़े इन्वेस्टर ये है, मैं इन्वेस्ट इनसे पैसा लेते रहता हूँ, इन्वेस्ट करते रहता हूँ माशाल्लाह। और माशाल्लाह ऐसा है मेरा, मैं कभी अभी बहुत सालों से तो मैं झगड़ा नहीं करना पड़ा, बहुत रुझ भी नहीं, बस जाके खड़े रहता हूँ या नाम आ जाता है माशाल्लाह, तो कोई झगड़ा नहीं होता है, उनको पता है कि इंसाफ मिलेगा, इंसाफ ही होता है। इनका कहने का मतलब है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ होता है, तो वहाँ पे अल्लाह का इतना, आज अल्लाह ने इज्जत नवाज दी है कि अगर ये खुद खड़े हो जाए, नाम आ जाए। झगड़ा नहीं किया आज तक, लोगों को लगता हुआ कि प्रॉपर्टी पे कब्जे लेता है ये, मैंने झगड़ा कभी नहीं किया, बस अल्लाह का इतना एहसान है मेरे परवरदिगार का कि वहाँ पे नाम आ गया तो सेटलमेंट हो जाता है बस। तो मैं हीरो बनना चाहता था यार, लेकिन मैं खुद पछताता हूँ ये लाइन में आके कि कहाँ से आ गया। चलता है, जो किस्मत में होता है तो तकदीर में लिखा होता है वो होता है। मुझे मैं वाइफ मिली इतनी प्यारी है, मेरा बच्चा है, मेरा इतने सब कुछ है, मेरे पास इज्जत है, सब कुछ है। और सबसे पहले मैं सब में प्यार देखना चाहता हूँ, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छे से रहो, और ये कास्ट वाइज ये सब कुछ नहीं है यार, इंसानियत है, और बस हेल्प करो एक दूसरे की माशाल्लाह। अब आप देख रहे हैं ना, कभी और नेक्स्ट ब्लॉक में मैं अपने, अगर जिसको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड है, जैसे शॉर्टकट 2-3 मिनट में बताया हूँ, लेकिन मैं आपको मेरी पर्सनल लाइफ जिस दिन सुना हुआ ना, आप रो दोगे। आज हम इतने खुश इसलिए रहे थे कि मैंने बहुत मुश्किल से, हमने जो एक स्ट्रगल पीरियड होता है उसे क्रॉस किया है, हमने कभी दूसरे को नीचे नहीं गिराया, और एक मैं इनको पूछ लो, मैं आज सबके सामने बताना चाहता हूँ, आज तक नहीं बोला, मेरे पास पैसा रहे या ना रहे, मैंने इनको आज तक ये नहीं बोला, इनके रिक्वेस्ट हो या कुछ काम हो या कुछ हो, क्या मेरे पास नहीं है, मैं ला के देता हूँ। एक इसमें से आज से न्यू मैरिड हुआ था, वॉशिंग मशीन नहीं थी, आज वो वक्त नहीं है, ये हमारा स्टार्टिंग पीरियड बता रहे हैं, जब एक्चुअली इनके पास काम नहीं था, पैसे नहीं होते थे, तब भी इन्होंने मुझे कभी नहीं, मैंने कभी कुछ, मैं मेहनत किया, मैं परेशान रहता था। हस्बैंड लोग ने कभी अपने वाइफ को ये मत बताओ कि हमारे पास कुछ नहीं है, तू मैके से ला, तू यहाँ से ला, अपन मर्द लोग है, अपन सक्षम है हर चीज के लिए, अपने को सलामत रखा ऊपर वाले ने, अपने को सेहत दिया, अपने को हाथ पैर दिया, तो अपन कर सकते हैं। कभी वाइफ को तंग मत करो कि पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ, ड्रिंक करने तो ड्रिंक छोड़ दो, मैं कभी ड्रिंक नहीं करता, उन्हें ड्रिंक वाले मेरे पास मिलने आते, वो ऑफिसर हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो,
मुझको ड्रिंक वाले मेरे घर तक एक बंदा नहीं दिखेगा आपको, मैं नफरत करता हूँ ड्रिंक वालों से, समझे। मैं वो सुनाना चाहता था कि वो फर्स्ट टाइम था, घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी, ये हाथ से कपड़ा धोती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो बर्थडे गिफ्ट देना था वॉशिंग मशीन, तो मैंने कैसे मुश्किलों से वॉशिंग मशीन लाया था दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने किस मुश्किल से, किस तरह से मैंने वॉशिंग मशीन उस दिन खरीद के लाके दिया था। और मैं कभी अपने वाइफ को ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ भी बोले हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, आप टेंशन मत। मैंने बिजनेस में इनको बोलता बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करना, सिर्फ आप दुआ करो, और आप ऐसा हो गया कि हर चीज इनको पूछ के करना पड़ता है मुझको, भाई जाना भी है तो बता के जाना पड़ता है कितने लोग, मैं अकेला बाहर जाता नहीं हूँ। आप लोग बोलते होंगे कि मार्केट क्यों नहीं ले जाते, मैं नॉर्मल तरह, अभी उस दिन आप बोले मोहनपुरा लेके, जो फर्स्ट टाइम मोहनपुरा लेके गया इनको आगे रखा, पीछे लाइन लगी थी मेरे मिलने वालों की, मिलना मैं बोले बहुत परेशान हो जाता हूँ बाहर गया तो, वो सेल्फी निकालना फिर ये करना वो करना, बहुत सारे होते हैं, कोई बोलता ये खाओ भाई वो लो भाई वो लो, बहुत सारे मैटर होते हैं। और बस इज्जत की है लोगों ने, और मैं उनको भी इज्जत देता हूँ, कभी गलत नहीं करने देता किसी के साथ, वो अपना हो या बाहर वाला हो। माशाल्लाह आप लोग, ये मेरा बहुत ही जान का टुकड़ा है मेरा बच्चे का, ये सबको पता है, पूरे शहर को क्या, पूरे जितने मुझको जानते हैं उनको पता है मेरी जान नींद इसमें फिर इसमें। तो बस यही है कि मेरे हस्बैंड का प्रोफेशन है प्रॉपर्टी का, और इनके ग्रुप है जो इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं, और मेरे हस्बैंड का एक्चुअल यही प्रोफेशन है। यस, अब दुआ कीजिए मैं आगे बढ़ू, और जिसकी भी कुछ भी प्रॉब्लम है आप शेयर कीजिए मैडम से, और मैं इस तक आ जाएगा तो इंशाल्लाह मैं करूँगा, जैसे ही फ्री होते हैं इनके पास वक्त होता है तो वो चीज़ पे बात करेंगे। सब अच्छे से रहो बॉस, मैं ये चाहता हूँ सब अपने हस्बैंड वाइफ अच्छे से रहो, फैमिली को लेके चलो, कुछ नहीं है कुछ दिन की जिंदगी है बस यार, कब मौत हो जाती है कब जिंदगी हो जाती है पता नहीं चलेगा। मैं अपने लाइफ में छोटी उम्र में बहुत कुछ देख लिया, रियल में बहुत कुछ देखा, लाइफ में बहुत कुछ देखा। मैं आपसे हाथ जोड़ के सबसे यही बोलता हूँ, खुश रहो बस, एक दूसरे को लेके चलो, अपने अपने हस्बैंड को भी बताना, मैं सबको हस्बैंड को सलाम बोलता हूँ, अपने हस्बैंड को यही बोलना, मैं उन हस्बैंडों से बात करना चाहता हूँ कि खुश रहो यार, काम धंधे के स्ट्रेस जो रहता है वो बाहर निकालो, घर में आने के बाद बच्चा बन जाओ तुमको रिलैक्स लगेगा, अपनी बीवी के साथ हंस के बात करो, खाना बनाई खराब बना दी तो अच्छे बोल के कहो, मैं उनसे पूछना कि मैं खाने में कभी, क्योंकि जो इंसान दूसरे का झूठा खा सकता हो तो मैं खाने में नहीं यार बोल सकता हूँ कि ये खराब है वो खराब है, मैं खा लेता हूँ माशाल्लाह अच्छा बनाती है वैसा भी है, और मैं जितना मेरे से खिदमत होती है मैं करूँगा। और आप लोग जो भी मेरी बहनें और भाई भी देख रहे होंगे, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से रहो, कुछ भी प्रॉब्लम रही तो मुझे बताओ, इंशाल्लाह जो भी मदद होती है मैं आऊंगा इंशाल्लाह। और दुआओं में याद रखें, बस दुआओं की दरख्वास्त है मुझे, कुछ नहीं सिर्फ दुआ है, आप दुआ कीजिए बस लाइफ में। अल्लाह हाफिज, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। बंगाली नहीं छोड़ना, एक मिनट एक मिनट, क्या जाना है चल रहे चल रहे चलो रे।